हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस शो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम ये प्लानिंग करते हैं कि अगले दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और सेंसेक्स, इन सब में किस तरह से ट्रेड किया जाना चाहिए, क्या व्यू रहेगा, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना है और कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकते हैं। इसी के हिसाब से मैं आपके साथ जो एनालिसिस करता हूँ डेली, डेटा और चार्ट इन दोनों की करता हूँ। आप सबको पता होगा सिर्फ मैं चार्ट नहीं देखता, मैं डेटा भी देखता हूँ और डेटा को कैसे रीड करते हैं ये आप डेली बेसिस पे मेरे तरफ से सीखते आ रहे हैं। सो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, बट उसके पहले आज जो हमने प्लानिंग करी थी मतलब आज के लिए उसको हम देखते हैं कि क्या हुआ। देखिए मैंने आपसे क्लियर कट बताया था और इसका थंबनेल भी मैंने चेंज किया था बिकॉज यहाँ पे काफी लोगों को लगा कि अब ये रेजिस्टेंस फेस करेगा और नीचे चला जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, मेरे पास दो तीन फोन आए, उन्होंने यहाँ पे ये लगा कि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उन्होंने पुट लेके रखा था, होल्ड किया हुआ था, जबकि वो प्री मार्केट वीडियो नहीं देखते। मैं जब से बना रहा हूँ, ये मंडे को वीडियो बना था आई थिंक यहाँ पे दो दिन पहले, क्लियर कट बताया कि मार्केट आपका बुलिश है, बाय द डिप की स्ट्रेटजी आप लगा के रखिए। और अगर ये ब्रेक कर गया, जो कि आपको सीधे क्लियर कट बताया था मंडे वाले वीडियो में कि अगर ये ब्रेक कर गया तो आपका सीधे सीधे ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी और लंबा मूवमेंट मार्केट हमें मिल देख सकता है, तो वो पहली चीज। प्लस कल वाले वीडियो में जब हमने कल वाले वीडियो मतलब कि आज के लिए मैंने जब आपको ये वीडियो बनाया था 29 नवंबर के लिए, तो क्लियर कट आपसे कहा था कि शॉर्ट करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। शॉर्ट करने के लिए मैंने आपको तभी बताया था जब ये लेवल्स ब्रेक करेंगे तभी, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं करना है, सीधे बाय द डिप की स्ट्रेटजी लगा के रखो। यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स, इन सब में मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए मना किया हुआ था। और बैंक निफ्टी में क्लियर कट था कि भाई वहां पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी 44,000 की, मैंने आपसे बताया था। और आज देखिए कितनी क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई 44,000 के कॉल में, और वहां से बैंक निफ्टी ऑल द वे लगभग लगभग आपका 600 पॉइंट ऊपर सीधे सीधे चली गई है। सो ये सब चीजें आप जो डेली बेसिस सीख रहे हो इसका बेनिफिट उठाइए। और देखिए मैंने आज एक मैसेज डाला था, मैसेज ये है, ये मैसेज आप जरूर पढ़िए, मैं आपको चाहता हूँ कि आप ये मैसेज पढ़िए। देखिए अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो ना, तो आप ये इन वर्ड्स जो है ना, ये इन वर्ड्स को अपने डिस्कनेक्ट से निकाल दो। आप चाहे इन वर्ड समझो या फिर सेंटेंस समझो, जो भी आप समझो, बट आपको समझना जरूरी है, ये बात याद रखो, आप इसे निकाल दो। क्या है, मुझे लगा, कुछ लोग कहते हैं सर जी मुझे लगा बहुत ऊपर आ चुका है, नीचे चला जाएगा, मैं बेच देता हूँ, तो ये चीज बिल्कुल निकाल दो अपनी जिंदगी से। मतलब आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तब हो सकता है सर जी नीचे चला जाए, ऊपर चला जाए, ये सब नहीं काम करता। शायद शायद मुझे प्रॉफिट हो जाए, शायद नीचे चला जाए, मान लो, चलो मान लेते हैं भाई, ये सब चीजें आपको हटा देनी है अपने ट्रेडिंग करियर से। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो सीरियसली, तो आपको इन वर्ड्स को, इन सेंटेंस को अपनी डिक्शनरी से हटा देना है। तो आप इसको जरूर समझ जाइए, क्योंकि मार्केट जो है वो डेटा, चार्ट और लॉजिक के बेस पे चलता है, आपके इमोशन के बेस पे नहीं। सो अब देखते हैं, यहाँ पे क्लियर कट हमारी जो एनालिसिस थी परफेक्ट चली गई। हाँ, एंट्री के लेवल्स हमारे नहीं मिले बिकॉज हमारे एंट्री के लेवल थोड़े से नीचे थे, बाय द डिप का प्लान था, लेकिन वहां पे क्लियर कट ये भी बताया था कि आप पुट के वाई को देखिए और कॉल के वाई, अगर शॉर्ट कवरिंग होगी देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना ज्यादा पुट वाई बढ़ गया है, और अगर वाई चेंज देखे तो कंटिन्यू वाई बिल्टअप हुआ है पुट साइड और कॉल की शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो ये सब एक क्लियर कट इंडिकेशन थे कि आपका मार्केट बुलिश ही रहेगा, आपको नीचे जाने पर बाई ही करना है, और अगर आपने उस बेस पर ट्रेड किया होगा तो काफी बेनिफिट मिला होगा। प्लस मैंने जो आपसे कहा था कि 15 मिनट के निफ्टी वाले टाइम फ्रेम में अगर ये लेवल ब्रेक कर जाता है तो आपका सीधे सीधे, यहाँ पे ये लेवल था, ये ब्रेक कर जाएगा तो सीधे सीधे आपका बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा। ये खैर बैंक निफ्टी है, निफ्टी वाला चार्ट बताता हूँ, ये वाला, तो वही चीजें हो रही है और आप ये देख सकते हो। अगर आपने किसी ने किया होगा तो अच्छे खासे मूवमेंट उसको मिल गई। अगर मैं काउंट करना चाहूँ इस मूवमेंट को, तो यहाँ से ऑल द वे में क्लोजिंग यहाँ पे होती है, तो यहाँ से कन्फर्मेशन आएगा सीधे सीधे हमारे यहाँ पे, देखते हैं 100, 200 पॉइंट जैसी मूवमेंट यहाँ पे सीधे सीधे वन डे मिल चुकी है। तो ऐसी ही चीजें आप जो है कि सीख रहे हो मेरे मदद से, और आपको मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि डेटा और चार्ट इन दोनों के क्लासेस आपको सिखाने चाहिए, बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ सिर्फ चार्ट बता करके चला जाऊँ, डेटा भी बताता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मेरा व्यू जो बन रहा है वो किस लिए बन रहा है। ओके, सो आप ये चीजें अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आपको बताने के लिए कि कल क्या किया जा सकता है। बैंक निफ्टी की और निफ्टी की हमारी इन सब की एक्सपायरी है, एक्सपायरी में कैसे ट्रेड करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटी सी अपडेट है। जो अपडेट है वो ये है कि हर महीने मेरी नए बैचेस चलती रहती हैं, आप सबको पता है, जिसमें मैं आपको ये सब चीज़ें सिखाता हूँ। जैसे कि पहले तो जान लीजिए 9 बजे 10:30 बजे तक क्लास चलेगी, 10 बजे तक है, लेकिन आधे घंटे आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, और टोटल 20 दिन की क्लासेस चलेंगी, जूम पर ऑनलाइन चलेगी, 5,000 रुपये की फीस है। आप ये ज्वाइन कर सकते हो, हर महीने की 20 तारीख होती है, लेकिन ये नवंबर वाली बैच एक्सटेंड की गई है, जो कि डेट है 30 नवंबर। तो 30 नवंबर यानी कि कल से चालू हो रही है। आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो आप जरूर ज्वाइन करिए मेरे हैप्पी ट्रेडर कोर्स को।
और इसकी पूरी अपडेट यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन मैंने दे रखी है अपने इस वीडियो में। आप अगर होम पेज पे आएंगे यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे और होम पेज पे ये वीडियो आप देखेंगे तो इसमें पूरी डिटेल दे रखी है। खाली डेट चेंज है जो कि 30 नवंबर है कल, तो कल आप ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि कल चालू होगी, कल रात 9 बजे तक आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आए तो ज्वाइन करिए, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो इस नंबर पर मुझे कॉल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। काफ़ी लर्निंग होगी अच्छी खासी, ये सब जो डेटा मैं पढ़ता हूँ आपको समझाता हूँ वो सब अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा और मेरे साथ आपको मिलेगा मेंटरशिप की सपोर्ट। मतलब आपको पूरा कहीं भी कन्फ्यूजन होगा आप उसको पूछ करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, क्योंकि यहाँ पे लाइव मार्केट में अपडेट देता रहता हूँ। सो अब हम देखते हैं कि कल क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मेरा फॉर्मेट पता है, सबसे पहले डेटा, तो निफ्टी का अगर मैं यहाँ पे डेटा देखूं तो पुट काफी ज्यादा बिल्टअप हो रखा है, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बिल्टअप हो रखा है 20,000 के स्ट्राइक में, और 20,100 भी है और 20,200 हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस है और 20,142 पे हम बैठे हुए हैं। तो हमें देखना क्या है, कल 20,100 के ऊपर ओपन होते या फिर नीचे। अगर 20,100 के नीचे ओपन होती है तो हमें उस केस में 100 के ओआई को देखना है जो कि कॉल वाला ओआई है। अगर कॉल का ओआई बढ़ गया, जैसे कि अभी यहाँ पे पुट ज्यादा है तो कॉल का ओआई अगर बढ़ गया तो ये समझो कि नीचे ही रहेगा, वो रेजिस्टेंस काम करेगा और मंथली एक्सपायरी उसी के नीचे हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए 20,096 ओके, ये वाली जो फेयर वैल्यू है इसको मत ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस बात पे ध्यान दीजिए 20,096 यानी कि 20,100। और अगर इसके ऊपर ओपन हुई उस केस में आपको 20,200 के पुट के ओआई को देखना है। अगर पुट का ओआई बढ़ गया और यहाँ पे कॉल का ओआई घट के या फिर पुट का ओआई बढ़ गया, यानी कि 20,100 20,200 पुट का ओआई बढ़ गया, तो आप समझोगे कि बैंक निफ्टी आपकी फिर से नीचे ऊपर चली जाएगी। आई रिपीट, अगर कल 20,100 के ऊपर ओपन हो जाए उस केस में आपको 20,100 के पुट के ओआई को देखना है और 20,200 के पुट के ओआई को देखना है, और अगर पुट का ओआई इंक्रीज हो जाता है तो आपका निफ्टी और ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे हम चार्ट देख लेते हैं। तो सिंपली सबसे पहले मैं आपको डेली चार्ट दिखाना चाहूंगा क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। अच्छा, ये भी बता दूं, कुछ लोगों को ये रैली लगती होगी यार यहाँ पे पकड़ लेते हो तो कितना अच्छा होता, मजा आ जाता। तो देखो 26 अक्टूबर को मैंने आपको अपडेट किया था, मैं अगर यहाँ पे वो सर्च करके दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, ये 26 अक्टूबर का डेट है और मैंने आपके साथ अपडेट करा था कि भैया मैं आज अपनी म्यूचुअल फंड के SIP को एवरेज करने वाला हूँ। बेसिकली मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट चल रही होती है मैं उनको एवरेज करता हूँ अगर मुझे मार्केट सही लेवल पे मिल जाता है तब। और मैंने यहाँ पे भी क्लियर कट कहा कि भाई मुझे नहीं पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बस मुझे ये पता है कि मुझे कहाँ बाई करना है और कहाँ सेल करना है। 26 अक्टूबर को मैंने आपके साथ अपडेट शेयर करी थी, सही टाइम पे करी थी, ऐसा भी नहीं था कि बहुत लेट में किया, 9:48 पे मैंने किया था, पूरा दिन था आपके साथ और एक दो दिन भी आपके पास था क्योंकि मार्केट आपका जो है कि ऑल द वे 1, 2, 3, 4, 5 दिन तक लगभग कहीं हिला हुआ नहीं था। तो अगर आपने इसको लिया होगा बेनिफिट तो आपको ये रैली एंजॉय कर रही होगी, और आप अगर मिस करते हो सो जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूं। अब यहां पे ऑल टाइम हाई के पास बैठे हैं, क्या ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा वो सब मैं आपको वीकली एनालिसिस बताऊंगा, बट अभी यहां पे देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो फिलहाल कोई रेजिस्टेंस अभी नहीं है, एक जो रजिस्टेंस है वो 20,220 का या 30 का दिख रहा है, सो उसके टूटने की तो उम्मीद नहीं है कल के दिन में, टूट भी सकता है अगर शॉर्ट कवरिंग होगी अच्छी खासी तो, लेकिन देखते हैं कल क्या किया जा सकता है। तो चार्ट अगर मैं आपके साथ प्ले करूं देखिए भैया बाय द डिप की ही स्ट्रेटजी चलेगी, ओके तो ये पूरा हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट का काम करेगा जो कि शुरू होगा 20,045 से लेकर के 20,035 और 30 तक, ओके स्टॉप लॉस जो होगा हमारा 20,020 का होगा, तो 20,020 का स्टॉप लॉस और 45 से 30 तक हम बाई करेंगे बाइंग के रिवर्सल पे। पहला टारगेट हमारा सीधे से हो जाएगा 20,106 का, 110 का मान लो और 150 का, फिर उसके बाद 200 का, अगर 200 का कॉल का वाई नीचे जाता है तो समझो ऊपर भी चली जाएगी, ओके। दूसरा सेल कहाँ पे करेंगे, देखो भाई एक्सपायरी है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पूरी पोजीशन बनी है, याद रखो ये सब एक्सपीरियंस है जो कि आप लोगों को क्लासेस में सीखने को मिलेंगे। देखिए ओपन हो जाए भैया, ओके देयर इज सम नेटवर्क इशू, आ गया। चलो अब देखो ये जो मार्केट आपका आया है ना, तो
ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रेडिंग की पोजीशन हो, यहाँ पे एफ एंड ओ में ट्रेडिंग की पोजीशन बनाई गई हो, इसलिए एफ एंड ओ में एंजॉय कर रहे हैं वो लोग, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो आप प्रॉफिट बुकिंग का भी वेट करिएगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का एक प्रॉपर सिग्नल होगा। कैसा? सिंपली अगर ऊपर जाकर के कोई डबल टॉप का पैटर्न बनाए और डबल टॉप के पैटर्न में आपका निकलाइन का ब्रेकडाउन हो जाए तो फिर आप शॉर्ट करोगे, ये बात अच्छे से याद रखो। तो सेलिंग करनी है लेकिन ऊपर एक अच्छे खासे शॉर्ट सेलिंग के चार्ट पैटर्न को देख कर के। तो ये निफ्टी की प्लानिंग थी। आज थोड़ा सा चार्ट लोड नहीं कर रहा बिकॉज नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है। तो यहाँ पे देख लिया, आप सिंपली शॉर्ट करोगे ऊपर की तरफ लेकिन नीचे की तरफ बाइंग आपका प्लान बनेगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का क्लियर कट यहाँ पे पुट का वाई ज्यादा है, सो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा बिकॉज मार्केट बुलिश है। और हमारे पास जो सपोर्ट है 44,500 का और 45,000 का रेजिस्टेंस है। अगर आज के दिन देखें तो अच्छी खासी बिल्डअप हुई है 44,700 पे पुट का वाई का। और अगर 44,700 के ऊपर कल, अगर 44,700 के ऊपर बैंक निफ्टी ऊपर होती है, वैसे 600 है यहाँ पे, 600 लेते हैं, ओके 700 तक बिल्टअप हुआ है बट 600 को हम लेते हैं। सो अगर 600 के ऊपर ओपन होती है तो उस केस में आपको देखना है कि पुट के ओआई इंक्रीज हो जाए, और कॉल के ओआई अगर डिक्रीज ना भी हो तो भी हमारा वहाँ पे बिल्टअप आ सकता है, ऊपर की साइड ऊपर चली जाएगी बैंक निफ्टी। लेकिन अगर 600 के नीचे ओपन हो जाए और उस केस में कॉल के ओआई सब बढ़ने लगे 600 500, तो आप ये समझिए कि नीचे चली जाएगी। बट अब यहाँ पे देखते हैं चार्ट। तो क्लियर कट चार्ट का यहाँ पे पैटर्न है 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, ये पूरा बाइंग का एरिया हमारा रहेगा। सिंपली हम बाई करेंगे 44,370 से लेकर के 44,310 तक। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 200, ओ बाप रे बहुत ज्यादा बने, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस बढ़ रहा है, तो कोई बात नहीं लेना पड़ेगा, ओके 250 का स्टॉप लॉस है। और हम बाई करेंगे 300 तक बाई करेंगे, सीधे सीधे 370 से 300 तक बाई करेंगे, बाइंग के रिवर्सल पे हम बाई करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला नीचे वाला। और सेल कहाँ पे करेंगे? ऊपर अगर कोई भी डबल टॉप का पैटर्न बन जाएगा तब, या तो फिर अगर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख जाए तो, ओके ये दो ही पैटर्न कल बनेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग इसी तरह के पैटर्न में होती है। ये सब सीक्रेट है, आप जरूर इसको ध्यान दीजिए और नोट करते जाइए, ओके। फिलहाल यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो चुका है तो ऊपर ही चांस रहेगा, और अगर अगर नीचे मिल जाए तो रिवर्सल पे बाई ही करिएगा, ये भी याद रखिए। तो ऊपर सेल नीचे बाई। अगर हम फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी तो फिलहाल इसमें भी वही चीज है, आपका सेम निफ्टी का लॉजिक, आपका अच्छा खासा सपोर्ट है 19,900 पे और 20,000 पे भी अच्छा खासा सपोर्ट है, और अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो 20,100 का है। तो 20,000 के ऊपर ओपन होती है या फिर नीचे, इसकी जरूरत है कल ये कहाँ पे जाएगी। तो अगर 20,000 के ऊपर ओपन होती है तो अब ये इसमें हमें कॉल के ओवाई को देखना है और पुट के ओवाई को भी देखना है। कॉल का ओवाई अगर डाउन और पुट का ओवाई अगर बढ़ जाए तो ये समझो कि ऊपर चली जाएगी, और अगर 20,000 के नीचे ओपन होती है उस केस में हमें कॉल के ओवाई को देखना है और पुट के ओवाई को देखना है। अगर कॉल का ओवाई बढ़ गया और पुट का ओवाई कम हो गया तो ये समझो नीचे चली जाएगी। फिर निफ्टी, वैसे जो निफ्टी और फिर निफ्टी जो होती है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के हिसाब से चलती है, मतलब उसके लॉजिक के हिसाब से चलती है, आप उसको याद रखें। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास जो बाइंग का लेवल होगा वो होगा 19,920 का। सो 19,920 पे हम बाई करेंगे, और हम बाई करेंगे 19,905 तक या 900 तक बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा 19,880 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ओके। तो ये आपका बाइंग का लेवल हो गया, और ऊपर वही डबल टॉप के पैटर्न पर शॉर्ट करेंगे। सेंसेक्स को देख लें, और सेंसेक्स की एक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हो तो ट्रेडिंग व्यू में आप सेंसेक्स का चार्ट मत देखिए क्योंकि ये डिले होता है, तो आप अपने ब्रोकर का चार्ट देखिए और फिर ट्रेड करिए सेंसेक्स में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तब। इसमें हल्का सा सेलिंग प्रेशर है, और वो जो सेलिंग प्रेशर आएगा वो आएगा 67,280। तो आप इसको याद रखो थोड़ा, और मैं अब आगे बढ़ता हूँ। देखो 67,280 का जो है हमारा ऊपर का 67,280 नेटवर्क आई थिंक नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ऊपर एक बार आप वहां उस एरिया पे प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा, याद रखो। और अगर आप नीचे बाई करते हो तो नीचे कहाँ से बाई करोगे?
फाइव मिनट का लेवल अगर मैं देखूं तो मेरे पास निकल के आ रहा है यहाँ पे 66710 से लेकर के 66640 तक हम बाई करेंगे। बाइंग के रिवर्सल पे स्टॉप लॉस जो होगा हमारा 580 का हो जाएगा। ये स्टॉप लॉस हम ट्रेड करेंगे नीचे आने पे बाई, और ऊपर इस एरिया में कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अगर होगा तो भी शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न या फिर डबल टॉप का पैटर्न बना तो शॉर्ट करेंगे। बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि मुझे लगता है सिंपली यहाँ पे जो ये रनिंग हो रखी है निफ्टी में तो थोड़ी सी इसमें ट्रेडिंग की पोजीशन भी है और प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो उस केस में थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। लेकिन याद रखो बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, इसका मतलब ही नहीं कि कल उल्टा आप सिर्फ पुटी खरीद के बढ़ जाओगे। सेटअप बनने दोगे, कंफर्मेशन आने दोगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके अपडेट को फॉलो करोगे, मैं कहूंगा कि हाँ ऐसे ही ट्रेड करना है जैसे हमने प्री मार्केट में किया था एनालिसिस, तब ट्रेड करना, अदरवाइज ट्रेड मत करना, या फिर आप अपने एनालिसिस से ट्रेड करना, क्योंकि मेरे कहने पे ट्रेड मत करिए क्योंकि लॉस भी हो सकता है। तो मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ कि कैसे एनालिसिस करते हैं, डेटा को कैसे रीड करते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में डेटा जो है अच्छा खासा बना हुआ है और हैवी वेट्स भी बुलिश हैं, तो आप यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, हैवी वेट्स भी बुलिश हैं। सो मार्केट में ओवरऑल पोजीशन बना हुआ है, बट अब ये डिपेंड करता है कि अगली एक्सपायरी जो कि दिसंबर वाली होगी वहां तक ये रैली एक्सटेंड करेगी या फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये सब आपको मेरे वीकली एनालिसिस में मिलेगा जो कि मैं आपके लिए हमेशा करता हूँ, तो वहां पे पूरी अपडेट्स रहेगी कि कैसे क्या हो सकता है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, और आप अगर मेरी क्लासेस ज्वाइन कर चाहते हैं तो मैंने जैसा कि अपडेट करी आपको कि होम पे आकर के ये वीडियो देखिए, आप यहाँ पे पूरी अपडेट दे रखी है मैंने। इस वीडियो में आप सबको समझ जाएंगे क्या क्या सीखना है, क्या क्या सिखाऊंगा, कैसे ज्वाइन करना है। कन्फ्यूज होने जाए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।